नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं इस्कॉन छिपीवाड़ा के शांति मन मुरारी दास। इन्होंने आज यूथ को नए साल का तोहफा दिया है। शाह ऑडिटोरियम में करीब करीब 3,000 लोग इकट्ठे हुए हैं और लोगों को भक्ति में कन्वर्ट करने के लिए, भाई जो आज पीढ़ियां जो भागी जा रही है, पागलों की तरह भाग रहे हैं, काम के पीछे भाग रहे हैं, तो ये आइडिया प्रभुदास आया कैसे आपके पास? हरे कृष्णा। तो इस्कॉन छिपीवाड़ा की तरफ से आज ये जो है उस पुण्यम उत्सव के नाम से एक बहुत ही भव्य उत्सव का आयोजन जो है दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में किया गया। तो इस उत्सव के पीछे जो प्रेरणा थी वो थी हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शीला प्रभुपाद। तो शीला प्रभुपाद ने जो है हमें सिखाया है कि जो भी हमें अच्छा मिला है वो हमें जो है वापस से इस दुनिया को देना चाहिए, समर्पित करें। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में ये प्रेरणा थी कि हम युवाओं को आध्यात्मिकता से जोड़ने का एक माध्यम बने, हम युवाओं को आध्यात्मिकता से जोड़े, युवाओं को आध्यात्मिकता तक लेके आए। बस उसी प्रेरणा स्रोत था कि हमने इस उत्सव का आयोजन किया और हमें बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिला। आज काफ़ी सारे लोग जो है इस प्रोग्राम में आए और वो सभी जो है इस प्रोग्राम में आकर के बहुत बहुत खुश हैं और हम सभी जो है प्रार्थना करेंगे कि आप सभी भी जो है इस प्रकार के कार्यक्रमों से जुड़ें और अपने जीवन में जो है आध्यात्मिकता को अपनाएं। हरे बहुत अच्छा रहा। मैं चार बजे से मैं भी आपके साथ हूँ, चार बजे से लेकर अभी 8:30 बज रहे और इतने लोगों को इकट्ठे करना, बुलाना अपने आप में जो है, और स्टेडियम वाइज फुल मैंने देखा कि लोग जमीनों पर बैठे हुए हैं और आज बच्चे लोग भी चाहते हैं कि जो हम अध्यात्म के साथ जुड़े हैं। ये इसको उनका एक बहुत अच्छा लगा। एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अभी मायापुर में था परसों, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है जिसके 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। द क्रेडिट गोज टू इस्कॉन कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना अपने आप में जो है इंडिया के लिए नहीं, सभी के पूरी दुनिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि जो है 7 तल्ला ऊपर है, 7 तल्ला नीचे है और बीच में भगवान महाप्रभु का मंदिर है। तो बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से सेवा आप करते रहिए। एक ये तो खासियत है कि इस्कॉन वाले जो है आप लोग प्रभु भगवान जी का जो है भक्ति में लीन रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हरे कृष्णा। बाकी प्रभु जी ये किसी अखबार में डालेंगे?